आगे तुम लाओ मुद्रा तो। अरे ऐसे देख क्या रही हो, मुद्रा दो ना मुझे। वीर, वो मुद्रा जहां पर रखी थी वहां पर नहीं है। क्या? वीर, मैंने अपने पर्स में ही रखा था, लेकिन अब वहां पर नहीं है वो। पता नहीं कहां चला गया, मैंने सारा कमरा ढूंढा। सुनी, ये क्या कह रही हो तुम? माता रानी की वो मुद्रा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कहां गई? मैंने तुम्हें उस मुद्रा को संभाल कर रखने के लिए कहा था। तुम सोनी पुत्र, पहले ना ये जो टेंशन ले रही है ना उसे अपने दिल से निकाल दे। वो माता रानी का प्रसाद है वो मुद्रा, और तुम्हारे नसीब की है, है? और किसी का मतलब की तो है ही नहीं। अब उतरो, वहीं कहीं कमरे में होगी, जाना कहां उसने? ठीक है, मैं फिर से देखती हूँ। जाकर अच्छी तरह ढूंढो उसे, जा। दीदी, आपके कपड़े दे दीजिए, मैं पैक कर देती हूँ। दीदी, क्या हुआ? माही दीदी। हाँ, कुछ कहा तुमने गौरी? मैंने कहा दीदी, आपके कपड़े दीजिए, मैं पैक कर देती हूँ। वो मैंने अभी तक निकाले नहीं है, बाद में निकालूंगी। अभी तक नहीं निकाले? ओहो, क्या चल रहा है भाई, पैकिंग? भाई मुझे हनीमून पर जाने वालों की पैकिंग कराने में बड़ा मजा आता है। ऐसे क्या देख रहे हो, ये भी तो एक तरह का हनीमून ही हुआ ना? नहीं, वो कैसे? आए ऐसे पुत्र, सियाने कहते हैं जब तक पति पत्नी के दिल में प्रेम हो तब तक उनका हर सफर हनीमून का सफर ही होता है। समझी कुछ? जी ताई जी। जी ताई जी, क्या खाली बैग पर सामान ला। जी अभी लाई। पुत्र क्या क्या डालूं उसके अंदर? कुछ भी रख दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। एक एक करके तय करके दे मुझे। जब से मैंने वो औरत को उस ओल्ड एज होम में छोड़ा है मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। क्या पता उनका वहां दिल भी लगता होगा या नहीं। दो हफ्तों के लिए जा रहे हैं ना दीदी और भैया जी, इसलिए कोई भी जरूरत की चीज छूटनी नहीं चाहिए। ताई जी, ये सारे मैचिंग ड्रेस के साथ ये चूड़ियां भी रख दो। पूछन दी गल है। और कल मैं दो हफ्तों के लिए जा रही हूँ, मुझे मुझे जाने से पहले उन्हें फोन कर लेना चाहिए ताकि मुझे वहां तसल्ली रहे। अगर मेरी गैर हाजिरी में उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। माता रानी, कहाँ गया होगा वो कॉइल? वो तो आपका आशीर्वाद था, इसने कितने प्यार से मुझे दिया था, मैंने उसे घुमा दिया, लेकिन कहाँ गया होगा? घर से ऐसे कोई चीज जा कैसे सकती है? वही तो मैं सोच रही हूँ सोनी, घर की चीज घर से जा कैसे सकती है? और तूने अच्छी तरह से ढूंढा? हाँ मम्मी जी, मैंने पूरा कमरा 2-3 बार झांक मारा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं तूने रखा कहीं और हो और ढूंढ कहीं और हो रही हो? पहले अपने दिमाग से सोच कि तूने रखा कहाँ है।
मम्मी जी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसी पर्स में रखा था। ओए तो ये पर्स कहाँ था? पर्स भी हमेशा यही रहता है। तेरा मतलब जब हम बाहर होली खेल रहे थे तो ये पर्स यहाँ पड़ा हुआ था? हाँ। ओए तब तो कोई भी आके कभी भी इसमें कुछ भी निकाल के ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो सारे घर के ही लोग हैं, कौन लेके जाएगा ऐसे? लगता है चेरी ने फिर कोई नया खेल शुरू कर दिया है और इस बार भी मुझे बताया तक नहीं। लेकिन इस बार मैं बात को हाथ से निकलने नहीं दूंगी। अरे ढूंढ सोनी ढूंढ, इसी में तेरी भलाई है। अगर नहीं मिला ना, तुझे पता है ना वीर को कैसा लगेगा? आयो मेरे रब्बा। जिधर तू घूमने जा रहा है उधर का समुद्र बड़ा साफ सुथरा और सुंदर सा। अरे जन्नत है जन्नत भाई जी। जन्नत? फिर तो उतने हूरे भी होंगी बड़ी। मतलब परिया? परिया नहीं, जल परिया। समंदर के पास है तो जल परिया ही होंगी ना। यही तेरे ताए जी होते तो दावे के साथ कहते उत्थे बड़ी सुंदर सुंदर जल परिया है। वैसे बात तो ठीक है, वो समंदर किनारे लड़कियां वो टू पीस वन पीस क्या कहते हैं वो सब पैर के समंदर में नहाती रहती हैं, वो सुंदर सुंदर जलपरिया ही तो हुई। भाई माई पुत्र, हमारे पुत्र पर जरा नजर रखना। अरे ताई जी। नहीं नहीं पुत्र, मैं तो मजाक कर रही हूँ। माई पुत्र फिक्र ना कर, हमारे शब की तुझसे नजर हटेगी तभी तो किसी और को देखेगा। तू तो बिल्कुल फिक्र ना कर। रहने दीजिए ताई जी। Well, you never know. शाम? मजाक कर रहा है यार, क्या तुम भी? चल हो गई तेरी पैकिंग शैकिंग? नहीं नहीं अभी तो दो तीन चीजें बाकी। ना भाई गौरी पुत्र चल, हमारी बातों का कोई अंत नहीं है, नहीं तो सारी रात इनको बैठकर पैकिंग ही करनी पड़ेगी। चल पुत्र चल, आ जा करो बेटा करो पैकिंग। सुन तू मेरे साथ आ, मैं तुझे दो तीन चीजें देती हूं। पहले इधर आ जा। बहुत हो गई पैकिंग में। मेरा बहुत काम बाकी है, छोड़िए मुझे। अरे नहीं चलो एक कप चाय अभी बना कर लाती। नहीं 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 नहीं, आज चाय मैं बनाऊंगा। हाँ आप चाय बनाएंगे? यस मैं चाय बनाऊंगा और ऐसी माइंड ब्लोइंग चाय बनाऊंगा जैसे तुमने कभी नहीं पी होगी। शायद आपने आज तक कभी चाय नहीं बनाई। हाँ तो क्या हुआ, आज बना लूंगा। आपको कौन सी फ्लेवर चाहिए? पीच लेमन ब्लैक करंट? टेल मी टेल मी टेल मी। इलायची वाली चाय। इलायची? ओके अभी आए अभी आए अभी आए। मेरा किचन मत जला देना। वेट एंड वॉच। ऐसे बेचैन रहने से तो अच्छा है मैं अभी ओल्ड एज होम फोन कर लेती हूँ, उनका हाल पता कर लेती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा? उठा क्यों नहीं रहा ये फोन? हेलो जी, शांति ओल्ड एज होम। सोनी सिक्का मिला? मैंने वो माही को दिया है। माही को दे दिया? लेकिन सोनी वो सिक्का तो मैंने तुम्हें दिया था ना, तुम्हें वो अपने पास संभाल कर रखना चाहिए था, किसी और को नहीं देना चाहिए था। हाँ वीर, मैंने उसे अपने पास ही रखा था, लेकिन जैसे मैंने माही को दिखाया ना, उसे बहुत अच्छा लगा। उसे मंदिर में कुछ सिक्के दान करने हैं तो उसने कहा इसे ज्वेलर्स को दिखा के वैसे ही बनवा के वो मुझे वापस दे देगी। लेकिन सोनी माही और शब्द घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो भी दो हफ्तों के लिए।
मैं तो कहता हूँ कि उनके जाने से पहले उनसे वो सिक्का ले लो। अगर उसने सुनार को नहीं दिखाया तो वापस आने के बाद दिखा सकती है ना? मैं वापस ले लेती हूँ उसे। ठीक है, लेकिन शुक्र है माता रानी का कम से कम तुम्हें याद तो आया। इस वक्त मैंने किसी तरह बात को संभाल लिया, लेकिन कल का दिन निकलने से पहले मुझे किसी भी तरह उस माता रानी के कॉइन को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास और कोई बहाना नहीं बचेगा। हेलो। हेलो जीजू। माही, कैसी हो तुम? बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी माही। अभी सोनी और मैं तुम्हारी बातें कर रहे थे। रहने दीजिए जी, तो आप भी। अरे साली साहिबा, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे जीजू? बातें क्या, बस यही बातें कर रहे थे कि तुमने जो वो एक मिनट माही, कैसी है तू? तुम्हारी पैकिंग हो गई? कोई प्रॉब्लम हो गई? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, तू बता ना। अच्छा सुन, वो मैंने तुझे माता रानी का कॉइन दिया था ना? हाँ वही कॉइन तूने कहा था ना, वो तुझे सेम कॉइन्स बनवा के मंदिर में दान करने हैं। हाँ तो मैं, हाँ अच्छा एक काम कर, वो तू जाने से पहले मुझे दे दे। हाँ देख मेरी बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तू क्या कह रही है। माही वो दरअसल वो कॉइन मुझसे गुम हो गया है। अरे सोनी, इतनी सी तो बात है, इसमें इतने झूठ झूठ क्यों बोले जा रही है? माही अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? माही उन्होंने उस मुद्रा के रूप में मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया था। माही मुझे अपना समझ के उन्होंने अपना प्यार, अपना सारा विश्वास दिया था मुझे। और क्या मैं उनसे ये कह दूं कि उसे घुमाने में मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा? देख सोनी, मैं तेरी बहन हूं, मैं समझ सकती हूँ तेरी हिचकिचाहट। माही, सोनी शब्द मुझे बुला रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। पता नहीं कहाँ चला गया। ले पुत्र, इसे बड़ा संभाल कर रखना। ये सब क्या है? ये उन चीजों की लंबी सी फेरिस्त है जो मॉरिशस से कामयार ने मंगवाई है। उसे तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना था, साथ में ताया को भी चिपका के लेकर गई है। तुम लोगों से ना कुछ कहने के लिए कह गई थी, अंग्रेजी में था, बड़ा अच्छा सा था। वो देश नहीं जर्मनी? हैप्पी जर्नी। हाँ, भाई मैं तो हिंदी में कहूंगी पुत्र, शुभ यात्रा। कामया को कह देना कि मैं सब चीजें ले आऊंगा, आपके लिए क्या लाऊं? मेरे लिए? पुत्र तेरी श्रद्धा पर कुछ लाना जरूर। गौरी पुत्र, तेरी कोई फरमाइश है कह दे अपने शब्द भैया से। मेरे लिए ठीक है, कुछ भी लेकर आना। वैसे भी माई दीदी को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। बात तो सही कह रही है गौरी पुत्र, भाई हम कुछ मंगवाएं या ना मंगवाएं, पर हमारी माही पुत्र वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगी। बड़ा बड़ा दिल है हमारी माई का। ले बातों में पूछना ही भूल गई, सारा सामान रख लिया? Got it. और टिकटें वगैरह? Got that. ठीक है। माही कहाँ है? माही को बुलाओ, इतनी देरी हो रही है, जाओ। जी भैया जी, अभी बुला कर मैं आरती की तैयारी करती हूँ पुत्र, तो सामान गाड़ी में रखवा। हाँ रामू।
जाने से पहले एक और बार फोन करके देखती हूँ, शायद इस बार उस औरत से बात हो जाए। माई दीदी, माई दीदी जल्दी करिए, भैया जी बुला रहे हैं। हाँ गौरी, तो चल मैं अभी आई। ठीक है। हेलो जी, मैं मिसेस सरीन बोल रही हूँ। आपकी आंटी हमेशा दुखी दुखी क्यों लगती हैं? जैसे उनके दिल पर बहुत बड़ा कोई बोझ हो। मैंने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, ना तो वो ठीक से खाती हैं, ना ठीक से बात करती हैं, और मुझसे तो वो हमेशा एक ही बात बोलती हैं। क्या? यही कि मेरी माही मुझे यहाँ अकेली छोड़कर क्यों चली गई। क्या मैं उनसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। जी जल्दी कीजिए। आप 1 मिनट और इंतजार करिए, मैं अभी आपकी उनसे बात करवाती हूँ। ताई जी, ये अभी तक नहीं आई? अरे फ्लाइट मिस हो जाएगी, क्या कर रही है ये ऊपर? मैंने तुम्हें भेजा था ना उसे, क्या कर रहे हो? बस 1 मिनट में ही आ रही है दीदी। ओह माही, आजा पुत्र, आरती भी करनी है। कम ऑन यार, वी आर गेटिंग लेट। माही जल्दी आओ, अरे लेट हो रहे हैं। जी जल्दी कीजिए। हाँ 1 मिनट, हाँ मैं देती हूँ फोन। हेलो, दरवाजा खोलो। आपका फोन है, आपका फोन है। क्या हुआ, वो दरवाजा नहीं खोल रही? ओह माय गॉड, क्या हुआ? हेलो, मुझे कोई बताएगा क्या हुआ वहां पर?